Yes, students, good morning all of you. Students, in the last lecture we have done the preparation of ammonia and the properties. Last topic was ammonia and of their preparation and properties. So today we are going to start the new group, that is group number 16. Students, in between there was oxides of nitrogen, nitric acid or phosphorus, allotropic form or uske basically compounds. ये सब basically आपके इसमें deleted form deleted है. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलें, ग्रुप नंबर 16. ग्रुप 16. सो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे ग्रुप 16 के अंदर. देखिए दिस इज ऑक्सीजन फैमिली. इसके अंदर ये ऑक्सीजन फैमिली है. सबसे पहला एलिमेंट आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेलूनियम, पोलोनियम. दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड दिस फैमिली. This is oxygen family and the general electronic configuration of these groups, these elements are NS2, Md4. क्योंकि देखो oxygen का atomic number कितना 8, 1s2, 2s2, 2b4. तो 2s2, 2b4, इसमें 3s2, 3b4, 4s2, 4b4, 5s2, 5b4, 6s2, 6b4. इस तरीके से यहाँ पर element में configuration बनेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक general configuration जो बन जाता है इनका valence shell का NS2, Np4 बनता है. ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक एंड द आयनिक रेडी. आपको पता है एज यूजुअल ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडी है बेसिकली. जब यहाँ पर एटॉमिक रेडी जो है ऊपर से नीचे आते हैं इंक्रीज होती है एज यूजुअल. आपको पता ही है हमने चैप्टर नंबर 3 में क्लास 11 में पढ़ा है. देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स ऊपर इंक्रीज होती है जिसकी वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. ठीक है ना, विच कंपनसेट द increase in nuclear charge, ठीक है, जिसकी वजह से overall size increase हो जाता है. However, the size of the oxygen atom is exceptionally small. सबसे छोटा size होता है अपने group के अंदर, ठीक है ना, वो छोटा size हो जाता है. अब size छोटा है, ठीक है, तो इसकी basically जो है वो जो दूसरी कुछ property है इसके group के members से थोड़ी सी अलग होती है, उसके बारे में discuss करेंगे बाद में. Next आ रहा है यहाँ पर ionization enthalpy. Ionization enthalpy बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे, इसको डेल आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं. एज यू नो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम. आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस द attraction between the valence electron and the nucleus decreases due to which the removal of electron become easier. Electron ko nikalna asaan ho jayega. Isliye bachcho upar se niche aate hue size increase hota hai to electron ko nikalna bhi asaan ho jata hai. Is it clear? To electron ko nikalna asaan hoga. Jitna electron ko nikalna asaan hoga utna easily humko yahan par kya hoga basically utni kam ionization enthalpy lagegi. To size upar se size increase to yahan par basically kya karte hain ionization enthalpy jo hai जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज. जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 इज लोअर देन द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15. देखो वैसे तो आप लोगों को पता है लेफ्ट राइट चलते हैं, साइज छोटा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इंक्रीज होती है. अगर हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप 15 से 16 16 से 17 18 इधर से चलें, ठीक है, तो इससे पहले कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों, नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में हम कंपेयर करें तो बेसिकली होनी तो चाहिए थी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, बट होती है नाइट्रोजन के कारण. आपको बताया नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड सबशेल होते हैं, इसकी वजह से उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है एक्सेप्शनली, अदरवाइज होनी चाहिए थी ग्रुप 16 की, ठीक है ना. फिर आगे यहां पे चलते हैं. नेक्स्ट आता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको हम डेल ईजी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को निकालने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय एनर्जी निकलती है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय एनर्जी लगती है निकलती है, उस जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ एनायन इन अ गैसियस फॉर्म. ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है ना। जितना मैं दोबारा बता रहा हूं, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहां पर बेसिकली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, और क्योंकि जब सपोज ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा तो उसने क्या बनाया, ओ नेगेटिव, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, इसने ऐड करा तो उसकी होगी नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, ओ टू नेगेटिव बनेगा, तो लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो जनरली जो फर्स्ट होती है वो नेगेटिव होती है, बाकी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे होगी बच्चों, बेसिकली ऊपर से नीचे आते हुए साइज बड़ा हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ऐड कब होगा, इजीली जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस कब अट्रैक्ट करेगा, जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल के पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हम न्यूक्लियस के वैलेंस शेल, सॉरी एटम के वैलेंस शेल में ऐड कर रहे हैं। तो जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली ऐड हो जाएगा। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा कब, जब साइज छोटा होगा, तो ऊपर से चाहते साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी मुश्किल लगेगी, तो एनर्जी वहां पर लेस निकलेगी, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। ऊपर से नीचे आते हुए लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट देयर इज अ एक्सेप्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक्सेप्शन है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ऑक्सीजन एटम नंबर 8 1s2 2s2 2p4, वहीं सल्फर का एटम नंबर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आप यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो यहां पर 3s के अंदर ऐड करना है, ठीक है ना, और यहां पर सॉरी इसके अंदर 2s के अंदर ऐड करना है, इसके अंदर 3s के अंदर ऐड करना है। आपको पता है इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6s के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्योंकि देखो बच्चों साइज छोटा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा देर में गेन करना चाहिए था, पर यहाँ पर उल्टा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर उल्टा हो गया। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन कम मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ छोटी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सेकंड शेल छोटी शेल होगी और थर्ड शेल है उसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बड़ी शेल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा इजी होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्शन कंडीशन है कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, कम नेगेटिव होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे आगे, यहाँ पर बात करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से देखें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज को ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों बात करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, यहां पर -2 +2 +4 +6 ग्रुप 16 के एलिमेंट, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बट जो ऑक्सीजन है वो प्रीडोमिनेंटली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो प्रीडोमिनेंटली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऊपर नीचे आते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना, सॉरी ऊपर से नीचे आते हुए सॉरी जो है हायर ऑक्सीजन स्टेट जो है थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं जैसे कि ऑक्सीजन जो है -2 शो कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे एक पैरा रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दे शो -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन शो डज नॉट शो +4 एंड +6, जो ऊपर के एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट नहीं शो करते, तो प्लस ऑक्सीजन जो है +4 +6 नहीं शो करता, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स नहीं है देखो उसके सेकंड शेल में, क्योंकि अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता।
ठीक है ना, द स्टेबिलिटी ऑफ द माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसकी वजह से ये क्या है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ठीक है ना। पोलोनियम हार्डली शो माइनस टू, जो पोलोनियम है लगभग माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना के बराबर ही शो करता है, उसमें जनरली प्लस फोर या प्लस सिक्स हमको देखने को मिलती है। द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द सॉरी द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट बेल इफेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा प्लस फोर या फिर प्लस सिक्स शो करेगा ये, देखो फिर भी वैसे भी ऊपर से चाहते हैं प्लस सिक्स भी कम स्टेबल रहता है, कारण क्या है इनर्ट बेल इफेक्ट। यहाँ पे देखो अगर ये एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिक्स ऑक्सीजन स्टेट नहीं शो कर पाएगा, पोलोनियम में क्या है यहाँ पर 7s2 7p4, ठीक है ना, तो ये एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो खाली एनपी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट है ऊपर से नीचे आते हैं ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू प्लस सिक्स, प्लस सिक्स क्यों नहीं होती ड्यू टू इनर्ट बेल इफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आप लोगों को पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट जो है बेसिकली इंक्रीज होता है, इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन हैज लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द सल्फर बिकॉज ऑफ द डायटॉमिक सल्फर इज ऑक्टाटॉमिक, कारण क्या है ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट की फॉर्म में मिलता है सल्फर जो है एसिड फॉर्म में मिलता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा, हम पूरे मॉलिक्यूल का मास देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एनोमलस बिहेवियर, लास्ट टॉपिक बच्चों आज का ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजन जो है अपनी एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है पूरे ग्रुप के कंपैरेटिवली, कारण ये है क्योंकि उसका साइज छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था नाइट्रोजन केस में, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स द कोवेलेंसी ऑफ 4, इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर के अंदर H2O के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वहीं H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, कारण क्या है उसका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर होगा, ग्रुप 16 में आप NCERT को रीड करें, तो आज के लिए इतना करते हैं, ओके थैंक यू।